गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा में स्वातंत्र्य कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले वाली क्लास में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को स्टडी किया था। आपको मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के बारे में बता के फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर लेके चलता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन यानी कि तनन कंपन और बंकन कंपन का डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि और फंडामेंटल वाइब्रेशन यानी मौलिक कंपनों की गणना में भी योगदान आएगा। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रेचिंग यानी तनन कंपन, दूसरा बेंडिंग यानी बंकन कंपन। तनन कंपन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक यानी सममित और असममित, और जो बंकन कंपन है वो चार तरह के होंगे, सीजरिंग, रॉकिंग, वेग ट्विस्टिंग एंड वेगिंग। ओके, जिसमें से सीजरिंग और रॉकिंग तो प्लेन में होंगे और ट्विस्टिंग और वेगिंग प्लेन के ऊपर होंगे यानी आउटसाइड ऑफ प्लेन। ठीक है, अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि आखिर होती क्या है? देखिए, कोई भी परमाणु है वो तीन दिशाओं में गति कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो इसके लिए तीन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो हम पहले देखते हैं स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। देखिए, बहुप्रमाणविक अणु में मौलिक कंपन अवशोषण बैंड की संख्या जो हमें प्राप्त होती है वो एक से अधिक होती है। अणु में कितने अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे ये उसकी स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे निर्भर करता है। अब हम जब कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो, हमारे पास एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो एक परमाणु अगर एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन में गति करता है तो तीन, तो अगर परमाणुओं की संख्या हम दो कर दें तो तीन, तीन दूना छः। अगर परमाणुओं की संख्या तीन कर दें तो एक परमाणु एक्स वाई जेड में, दूसरा परमाणु एक्स वाई जेड में और तीसरा परमाणु भी एक्स वाई जेड में, जेड डायरेक्शन में गति कर सकता है, यानी कि तीन, तीन दूनी छः, तीन तीन नौ। तो इसको हम सिंपल सूत्र 3n से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कुल जो स्वतंत्रता की कोटि होगी वो 3n की बराबर होगी, जहां n क्या होगा, n है कि उस अणु में कितने परमाणु हैं वो n कहलाएंगे और फिर उसको हम 3 से गुणा कर देंगे। तो स्वतंत्रता की कोटि जो टोटल 3n की बराबर होती है वो 3n किन किन से मिलकर बनना होता है? देखिए, 3n कुल मिले के तीन तरह की गति या वाइब्रेशंस से अब मिला होता है। एक है ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल, दूसरा रोटेशनल वाइब्रेशनल, तीसरा वाइब्रेशनल यानी कि पहले ट्रांस स्थानांतरित गति, घूर्णात्मक गति और कंपनिक गति यानी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। देखिए, अब हम स्वतंत्रता की कोटि में मौलिक कंपनों की संख्या ज्ञात करते हैं। मौलिक कंपनों की संख्या ज्ञात करने के लिए दो तरह के अणु हमारे पास हो सकते हैं, एक तो लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल जो यानी कि रेखीय मॉलिक्यूल, जिसके लिए बच्चों सूत्र दिया गया है 3n-5 का, और एक होते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल यानी कि जो अरेखीय अणु होते हैं जिनके लिए सूत्र दिया गया है 3n-6 का। तो ये 3n कहाँ से आया? 3n तो हमने अभी कैलकुलेट किया कि स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसमें से 3n में से -5 किस में, लीनियर मॉलिक्यूल यानी रेखीय मॉलिक्यूल में, और 3n में से -6 किस में, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल यानी अरेखीय मॉलिक्यूल में होता है। अब ये 3n-5 कैसे आए हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, टोटल कितने थे, हम लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो टोटल जो है वो है 3n। अब 3n में से ट्रांसलेशनल भी होंगे, रोटेशनल भी होंगे, वाइब्रेशनल भी होंगे। तो ट्रांसलेशनल तो सब में 3 होंगे, रोटेशनल इसमें 2 होंगे, तो 3 और 2 5 हो गए। तो वाइब्रेशनल कितने होंगे, जो बच गए वो वाइब्रेशनल। तो टोटल कितने थे, 3n।
3n में से 3 तो घटा दो आप ट्रांसलेशनल के यानी कि स्थानांतरीय गति, 2 घटा दो आप रोटेशनल के यानी घूर्णात्मक गति, तो 3n में से टोटल कितने घटेंगे 5, तो वाइब्रेशनल होंगे 3n-5। इसी तरह हम अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें यानी जो अरेखीय मॉलिक्यूल हैं उनमें टोटल कितने होते हैं 3n, तो ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरित होंगे 3, रोटेशनल यानी घूर्णात्मक होंगे 3, तो 3 और 3 6, तो वाइब्रेशनल कितने होंगे टोटल में से 3 और 3 6 घटा दो, तो 3 वाइब्रेशन यानी 3n में से -6 घटा दो। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं कि किस किस तरह के रोटेशनल होते हैं। जैसे अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड अब्रोमीन की, तो ये एक्स डायरेक्शन में भी गति कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी गति कर रहा है और जेड डायरेक्शन में भी गति कर रहा है, लेकिन इसके रोटेशनल कितने होंगे, ये लीनियर है तो आप ये देखिए इसमें ट्रांसलेशनल तो हो जाएंगे 3 लेकिन रोटेशनल होंगे सिर्फ 2। जैसे हम देखें ट्रांसलेशनल एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, रोटेशनल इसके 2 ही होंगे जिस दिशा में ये है, एक तो उस दिशा में है ना और एक अपोजिट में, 3 नहीं होंगे है ना। तो ट्रांसलेशनल 3 कौन से 3, 1, 2 और 3, ठीक है 1, 2 और 3, और रोटेशनल में सिर्फ 2, तो टोटल हो गए 5। ओके लीनियर के लिए, तो लीनियर के लिए फॉर्मूला होगा 3n-5। यहाँ पे भी ये लीनियर का एग्जांपल है, इसमें भी 3n-5 ही होगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम एग्जांपल लेते हैं CO2। देखिए CO2 में अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये वाला बंद तो संकुचित हो रहा है और ये वाला बंद फैल रहा है, तो ये असममित कंपन हुआ। असममित कंपन में आप देखिए ये तो अंदर वाले कार्बन की तरफ आ रहा है लेकिन ये इससे दूर जा रहा है, यानी ये वाला बंद लंबाई तो घट रही है और ये वाली बंद लंबाई बढ़ रही है, यानी ये असममित कंपन है। असममित कंपन क्या होंगे, IR इंफ्रारेड एक्टिव होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये लंबाई बंद लंबाई भी बढ़ रही है, ये भी बंद लंबाई बढ़ रही है, यानी ये सममित कंपन हुआ है। सममित कंपन क्या होंगे, सममित कंपन IR इनएक्टिव होंगे यानी IR शो नहीं करेंगे, तो जो असममित कंपन है वो तो IR शो करेगा और जो सममित कंपन है वो IR शो नहीं करेगा। अब देखिए ये तीसरा वाला, इसमें कार्बन तो जा रहा है नीचे की तरफ और ये ऑक्सीजन जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होगा यानी द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होगा, द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होगा, तो ये भी IR एक्टिव हो जाएगा यानी IR शो करेगा। IR शो करने का क्या मतलब है कि जब IR रेडिएशन जाएगी तो उसमें अवशोषण प्रदर्शित करेगा। देखिए अब ये एक एग्जाम्पल है जो नॉन लीनियर का है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो लीनियर यानी रेखीय है, लेकिन जो जल है, जल कैसे होता है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो जल तो लीनियर यानी रेखीय नहीं है ना, ये तो अरेखीय है ना, तो इसमें जो वाइब्रेशंस होंगे वो कितने होंगे, 3 तो ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और बाकी के बच्चे जो वाइब्रेशनल, तो वाइब्रेशन कितने टोटल है 3n, उसमें से ये 3 और 3 6 घटा दो, 1 3 ये घटा दो, 1 3 ये घटा दो, तो -6, तो ये हो गए हमारे वाइब्रेशनल, टोटल 3n, उसमें से 3 घटा लिए हमने ट्रांसलेशनल वाले, 3 घटा लिए हमने रोटेशनल वाले, तो बाकी के बचे वो हो गए हमारे पास वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल यानी कि स्थानांतरीय और रोटेशनल यानी कि घूर्णात्मक। ये जल में के देख सकते हैं, ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सीजरिंग, और किस तरह से ये शो करते हैं, देखिए एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये है और सिमेट्रिक में ये। अब आप ध्यान दें, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में फ्रिक्वेंसी 3750 के लगभग है और सिमेट्रिक में 3650, यानी सिमेट्रिक हुआ कम, यानी सिमेट्रिक में कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है और एसिमेट्रिक में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अध्याय की कौन सी कहाँ होगी, तो OH है तो फ्री OH कितने पे आएगा 3600 सेंटीमीटर इन्वर्स, एमिन का NH आएगा 3400 पे, ये ट्रिपल बॉन्ड है ये आएगा 3300 पे। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल भी और देख सकते हैं, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आएगा 2200 पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा 1650 पे। तो जो
एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो OH वाला 3600, एक एमिन वाला NH 3400, एक आप कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2200, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1650, ये याद रख लीजिए, है ना। अब हम आपको बताते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर में इन्होंने 3N-5 और 3N-6 कैसे आए हैं, है ना, जो कैलकुलेशन का पार्ट है। ये देखिए, जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं यानी रेखीय अणु होते हैं, तो रेखीय अणु में टोटल कंपन तो हमने आपको दिखाए थे 3N, अब 3N में से -5 कैसे हुआ, तो ये कैसे आया है वह हम आपको दिखाते हैं। इसके एग्जांपल में हम कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं CO2 और कार्बन डाइसल्फाइड देख सकते हैं CS2, है ना। अब टोटल है 3N -5, ठीक है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो N की जगह क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 एटम हो गए, तो N की जगह आ जाएगा 3। तो इस 3N-5 वाले फॉर्मूले में जब हम मान रखते हैं, इस फॉर्मूले में अगर हम मान रखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं कि N बराबर क्या हो जाएगा, 3। 3 कैसे, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो N की जगह 3 रख देंगे, तो क्या आएगा, क्या आएगा, 3×3। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या क्या आएगा और कैसे होगा। देखिए 3N की जगह हम 3 रख दें और -5 करें, 3×3 9 -5, तो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 4, है ना। तो 4 हो गए इसमें क्या, वाइब्रेशनल, 3 तो ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 3N-5 यानी 4 हो गए वाइब्रेशनल। ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड की और जगह दूसरे अंडे अणु ने HCl, HBr, HF, HI, तो उनमें HCl है, तो HCl में एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी। मान लो मैं HCl का एग्जांपल लूँ, तो इसमें दो एटम हो गए ना, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। N की वैल्यू इसमें 2 रख लीजिए, है ना, और कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी, 3×2 6 में से 5 गए, तो बचा 1। अगर हम यही करें सममित द्विपरमाणविक अणु के लिए, यानी हम HCl नहीं लें, हम लें मान लो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी H2 जिसमें दोनों ही हाइड्रोजन हैं, या दोनों हाइड्रोजन नहीं लेके हम लें N2 जिसमें दोनों ही नाइट्रोजन हैं, तो इनमें क्या होगा। देखिए जब दोनों ही हाइड्रोजन है H2, दोनों ही नाइट्रोजन है N2, या दोनों ही ऑक्सीजन O2, तो वो IR स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दोनों एटम एक जैसे, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, तब तो IR स्पेक्ट्रा शो होगा, लेकिन अगर दोनों ही एटम एक जैसे हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 HH है ना, या O2, तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होने के कारण इसमें जो कंपन होंगे वे विद्युत सिमेट्रिक होंगे, तो ये ऊर्जा का अवशोषण प्रदर्शित नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अरेखीय की बात करते हैं, अरेखीय में ट्रांसलेशन 3, रोटेशनल 3, तो बाकी के बच्चे वाइब्रेशन 3N-6, ये 3+3, तो 3N में से 3 और 3 6 घटा दीजिए, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में हम कैसे देखें, मान लो कि एक एग्जांपल हम लेके हैं चलते कि मैथेन CH4, तो CH4 में कितने 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन यानी 5 अणु हो गए, तो हम इस N की जगह अगर 5 वैल्यू रखें तो क्या आएगा, N की जगह हम 5 वैल्यू रखें तो 3×5-6, तो 3×5 तो हो गया 15, इसमें तो -6 कर लो तो बचे कितने 9, तो वाइब्रेशनल कितने हो जाएंगे क्या हमारे पास 9, ठीक है। देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ, हमने एग्जांपल लिया CH4 मेथेन का, जिसमें 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो टोटल एटम हो गए 5, यानी N की जगह हम 5 लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, 3N-6, ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि मेथेन अरेखीय है, नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर के लिए 3N-6 आएगा। अब N की जगह हम क्या रखेंगे, 5, क्योंकि 4 तो हाइड्रोजन हो गए और 1 हो गया कार्बन, तो N की जगह जब हम 5 रखते हैं तो 3, N की जगह हम रखते हैं 5-6, तो 3×5=15, इसमें से -6 घटाए तो 9, तो 9 आ जाएंगे हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आए बच्चों समझ में, तो रेखीय के लिए ऊपर वाला सूत्र है और अरेखीय के लिए नीचे वाला सूत्र है, ये किस किस तरह से वाइब्रेशनल्स होते हैं ये इसमें अब बताए गए हैं। होपफुली आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आप और एग्जांपल लेके एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और नोट्स मैंने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप ले लीजिए, और
आपको जो भी इसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और ये वाला चार्ट आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और उनके कितने टाइप होते हैं वो एग्ज़ाम में हमेशा आता है 100%। और एक किसी मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, चाहे लीनियर के लिए हो तो 3n-5 और अरेखे के लिए हो तो 3n-1, दो में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ये जो नौ अरेखे के लिए 3n-6 है ना, ये 3n-6 में दो तरह के कंपन पाए जाएंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। फर्स्ट पेज पे आइए, देखिए दो तरह के मेजर कंपन होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तो अगर टोटल 3n-6 है ना, तो स्ट्रेचिंग कितना होगा, स्ट्रेचिंग होगा इसमें तो n-1 और बाकी का बचा हुआ 2n-5 हो जाएगा बेंडिंग। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर टोटल कंपन लॉन लीनियर के लिए कितने थे, 3n-6, तो अभी 3n-6 दो पार्ट में बटेंगे, एक तो स्ट्रेचिंग में और एक बेंडिंग में। तो स्ट्रेचिंग में बेटा होता है n-1, कितने n-1, तो n-1 अगर इसमें से मैं घटा दूँ, किसमें थे 3n-6 में थे, तो बाकी बचेंगे बेंडिंग। तो बेंडिंग कितने बचे, 2n-5, देखिए 3n में से एक n यहाँ और यहाँ 2n, 6 में से एक यहाँ, 5 यहाँ। तो टोटल वाइब्रेशन अगर अरेखे में 3n-6 होगा तो उसमें स्ट्रेचिंग होगा n-1 और बेंडिंग होगा n-5। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।